प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में जनसभा को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि किसानों के लिए मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में जितना किया है उससे पहले की सरकारों में उतना नहीं हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन जी। मैम, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि किसानों के लिए पिछले 9 सालों में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। किसानों का काला कानून लेके आए थे जिसमें लगभग 700 किसान शहीद हो गए, ये कदम उठाया हमारे भाजपा वालों ने, हमारे प्रधानमंत्री ने। इतना बढ़िया काम किया है किसानों के लिए कि उनको बिल को वापस लेना पड़ गया था। इतना बढ़िया काम किया है फसल बीमा का और ऋण माफी का कि 5.5 लाख लगभग करोड़ रुपए एनपीए के तो कॉरपोरेट के माफ हुए, लेकिन किसानों का ऋण माफी की जब बात आई तो बोले हमारे पास पैसा नहीं है। अनफॉर्चुनेट है कि अभी मणिपुर जल रहा है, वहां पे हिंसा है, हमारा बॉर्डर इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय इलाका है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं और मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। हम पूरे सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए हुए, आपने एक्सेप्ट किया है। राज्यसभा में 267 पे मणिपुर पे चर्चा चाहते हैं और लगातार प्रधानमंत्री बाहर सिर्फ और सिर्फ अलग अलग जगह पे जाके भाषण दे रहे हैं और वो जगह कौन सी है जहाँ पे चुनाव होना है। तो प्रधानमंत्री ने एक बार फिर प्रूव किया है कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, महिलाओं के सम्मान को सम्मान समझने वाले प्रधानमंत्री नहीं है। उनका 365 दिन का जो फोकस है वो भाजपा सत्ता में कैसे आएगी वो उसी का भाषण दे रहे हैं। मैम, लेकिन यहाँ पर तो किसानों की बात हो रही है कि किसानों के हितों में जो फैसले लिए गए हैं, कैसे जो है उनके ऊपर जो कर्ज है उसको दूर किया जाए, कैसे उनकी आय बढ़ाई जाए, इन चीजों का जिक्र किया प्रधानमंत्री से। मैं तो कह रही हूँ कि आए ना सदन के भीतर बोले ना, हम कह रहे हैं आप अपने पार्टी का अचीवमेंट भी बताए, मणिपुर की हिंसा का फेलियर भी बताएं, वहाँ जो वीडियो वायरल हुआ उसके बारे में भी बताएं। प्रधानमंत्री सदन में आके बात करें, यानी साफ तौर पर प्रधानमंत्री सदन में आके बात करें, ये कहना है रंजीत रंजन का, जिनका ये कहना है कि जब जो है प्रधानमंत्री से मांग ये हो रही है कि वो सदन में आके मणिपुर पर जवाब दे तो वो चुनावी राज्यों में जाकर के इस तरीके से भाषण दे रहे हैं। यानी विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री के बयान को लेकर के उनके जो जिस तरीके से वो दौरे कर रहे हैं उस पर है आक्रामक। अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, दिल्ली।